तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, दिसंबर में 3 मूवी जबरदस्त लोड हो रही हैं और कुछ छोटी मोटी नहीं है, ब्लॉकबस्टर। मतलब पूरे दिसंबर को तो ये हिला के रखने वाली हैं, साथ में जनता की जेब को भी ये हिला के रखने वाली हैं और बहुत बुरी तरीके से हिला के रखने वाली हैं, जिसकी पहली चोट 1 दिसंबर को पड़ने वाली है एनिमल के रूप में और दूसरी चोट और तीसरी चोट 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को पड़ने वाली है, और जबरदस्त तरीके से। ना कि सिर्फ इंडियन सिनेमा में, ना कि सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा में, बल्कि पूरी दुनिया में, ओवरसीज में भी ये तीनों मूवी धमाका मचाने वाली हैं, क्योंकि इनकी एडवांस बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी से जो रुझान देखने को मिल रहा है, भाई सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है। मतलब एक बार के लिए देखो ना, सालार प्रभास जो इतने टाइम से कमबैक नहीं कर पाए थे, बावजूद इसके इनके सामने जो शाहरुख खान है, जिनके पास फीडबैक है पठान का, जवान का, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी दे के आ चुके हैं, वो यहाँ एडवांस बुकिंग में थोड़ा सा डाउन जाते नज़र आ रहे हैं, जबकि सालार प्रभास भाई डायनासोर धड़ल्ले से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। और इस टाइम पर अभी 35 दिन पूरे बाकी हैं, 34 या 35 दिन पूरे बाकी हैं इन दोनों फिल्मों के, लेकिन फिर भी सालार जबरदस्त तरीके से बुकिंग चल रही है। तो सब बताऊंगा एनिमल की कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, सालार कितनी एडवांस बुकिंग कर चुका है, उसके बाद डंकी के क्या रुझान चल रहे हैं, IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में 1 पर कौन चल रहा है। मतलब इसके साथ एक और मूवी आने वाली है सैम बहादुर, वो भाई साइलेंट किलर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जबरदस्त तरीके से वो फटेगी ना तो सॉलिड फटने वाली है। दूसरा 1 दिसंबर को हमें सालाना ट्रेलर भी मिल जाएगा, तो सब कुछ बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब एक आध मिनट में आपको काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, शुरुआत एनिमल से करेंगे। एनिमल की एडवांस बुकिंग सॉलिड स्टार्ट हो चुकी है और मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए, और ये फाड़ रही है, जबरदस्त तरीके से फाड़ रही है। ना कि सिर्फ यहाँ तो ये फाड़नी फाड़ने वाली है, ओवरसीज में संदीप रेड्डी वांगा और इसके मेकर्स फुल एक्टिव हो चुके हैं, मतलब ये मूवी को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना चाहते हैं। प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 175 लोकेशन पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और जबरदस्त तरीके से चल भी रही है। लगभग 1400 से प्लस ये लोग टिकट अभी तक बेच चुके हैं इन सारी लोकेशंस पर, और एडवांस बुकिंग से कलेक्शन अभी तक कितना हाथ लगा, मतलब मुद्दे की बात पर आओ कि कलेक्शन ये मूवी कितना कर चुकी है अभी तक, लगभग 18 लाख प्लस का इंडियन रुपीज में ये मूवी कलेक्शन कर चुकी है। और अभी 14 दिन बाकी हैं, और जब ये लास्ट का हफ्ता बचेगा ना, तब देखना इसकी एडवांस बुकिंग सॉलिड होने वाली है, मतलब ये मूवी 500 करोड़ तो अपने खाते में रखने वाली है। बाकी बात करते हैं सालार की, तो सालार तो भाई धड़ल्ले से, मतलब डायनासोर जो दहाड़ के आगे बढ़ रहा है भाई, जबरदस्त आगे बढ़ रहा है। अभी मूवी को पूरे 34 दिन बाकी हैं, उसके बावजूद जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 से ऊपर 100 जिसके खाते में चल रहे हैं, मतलब वहां पर बुकिंग चल रही है। लगभग 190 प्लस टिकट ये लोग वहां सेल कर चुके हैं, और इस सेल से इनके हाथ लगा है लगभग 5000 प्लस $5,000। तो भाई बहुत सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है, अभी 1 महीने से ऊपर है। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका में 20 नवंबर से ही प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी एडवांस बुकिंग, तो 1 महीने पहले से बहुत अच्छा टाइम है एडवांस बुकिंग स्टार्ट करने के लिए। बाकी बात करते हैं डंकी की, भाई डंकी के क्या हाल चल रहे हैं, भाई जबरदस्त हाल चल रहे हैं इसके भी, लेकिन सालार से थोड़े नीचे हाल चल रहे हैं। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में ये 1 पर चल रही है डंकी, देन उसके बाद हमारी सैम बहादुर चल रही है, देन उसके बाद सालार चल रही है, देन उसके बाद एनिमल मूवी का कहीं नाम आ रहा है। तो आपको बताता हूँ कि डंकी के क्या रुझान है, डंकी लगभग 2600 जिसके खाते में चल रहे हैं, और इससे लगभग इसको $100 के आसपास ही एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। तो देखा जाए तो अभी थोड़ा सा स्लो है आंकड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सालार मूवी के सामने डंकी ठह जाएगी या पिट जाएगी, भाई बहुत ताकत है इस मूवी में। शाहरुख खान की जो स्टारडम है, शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है इस बार, वो अलग ही लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। मतलब पठान और जवान का जो फीडबैक उसे मिला है, पठान और जवान जो बूस्ट करने वाले हैं डंकी के लिए, साथ में जो राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ेगा, तो भाई जब ये आंकड़े आएंगे ना, सॉलिड तरीके से सब उलट फेर हो जाएगा। तो अभी बहुत जगह एडवांस बुकिंग अभी ओपन हुई भी नहीं है, जहाँ जहाँ हुई है वहाँ वहाँ से अभी इतने ही रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो अब तबाही चलने वाली है, दिसंबर तो भाई फुल क्राउडेड चलने वाला है, जबरदस्त रश चलने वाला है,
तो आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं इन सारी मूवीज के लिए? बाकी सबसे ज्यादा कमाई कौन करने वाला है? सालार मूवी कमाई करने वाली है या फिर डंकी मूवी कमाई करने वाली है या फिर एनिमल मूवी कमाई करने वाली है? और तीनों ही मूवी क्या 1000 करोड़ बिजनेस करने का पोटेंशियल रखते हैं? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।